हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ सभी के लिए। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन कब करेंगे। और ये रीडिंग सभी के लिए है, जेंडर फ्री रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजुनेट करेगी, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स से कुछ बातें रेजुनेट ना करें। नहीं करती हैं तो मन खराब मत करिएगा, नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, ये मेल और फीमेल सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। और पॉजिटिव बने रहिएगा, ओपन माइंड होकर देखिएगा रीडिंग को, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इन्जॉय करिएगा रीडिंग को। और अगर रीडिंग आपसे रेजुनेट हो, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से कब तक मूव ऑन करेंगे, कब तक थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे वो। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। अगर आप किसी सोलमेट रिलेशनशिप में हैं तो भी ये रेजुनेट करेगी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी रेजुनेट करेगी। अगर आप किसी और रिलेशनशिप में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अदर रिलेशनशिप, तो उसमें भी ये आपको रेजुनेट करेगी। देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन तो करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी ने उनको इस तरीके से जकड़ के रखा है उनके माइंड को कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से थर्ड पार्टी का उनके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है कि वो चाहकर भी आपकी ओर कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। और थर्ड पार्टी कहीं कहीं कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की वाइफ हो सकती हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए उनकी ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए कुछ अदर प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंसेस की या फिर जॉब की या फिर स्टडी की। तो यहाँ पर आप लोग अपने अपने तरीके से देख लीजिएगा। और आप देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो ये जो स्टोरी है वो लव ट्रायंगल की है। और ये पर्सन मूव करना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से, बट थर्ड पार्टी बहुत होशियार है डियर फ्रेंड्स। वो अपने माइंड गेम्स में आपके पर्सन को ऐसे उलझा लेती है कि वो वहाँ से मूव कर ही नहीं पाते हैं। कई व्यूअर्स के लिए तो ये है कि थर्ड पार्टी बड़े प्रलोभन देती है आपके पर्सन को, मतलब उसका दिखावटी प्यार इतना ज़्यादा है, ये कर लो, वो खा लो, ये ऐसा कर लो, और इतने प्यार से बोलना, इतना पैम्पर करके बोलना, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा तो कोई और है ही नहीं दुनिया में उसका। तो और थर्ड पार्टी डियर फ्रेंड्स आपके पर्सन से खर्चे भी बहुत कराती है, क्योंकि वो हार्ट लेवल पर उनसे प्यार नहीं करती है। उनको ये है कि बस मेरी ज़रूरतें पूरी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी करो, मेरी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, ऐसा वो कहती है। लेकिन ये बातें भी बड़े प्यार से कहती है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो थर्ड पार्टी है, इससे आपके पर्सन इसलिए भी नहीं छूट पा रहे हैं अभी, क्योंकि इनके कर्मा अभी बाकी हैं, इनके कर्मा बाकी हैं। इनको अभी और सबक मिलना है, इनको अभी और लेसन लेना है थर्ड पार्टी से, क्योंकि उन्होंने आप जैसे पर्सन के साथ जो भी किया है उसके एवज में उनको कुछ तो सबक मिलेंगे। आपकी कदर नहीं की, आपने इतना चाहा, टूट के चाहा, हर चीज़ से आपने तन मन धन से उनके लिए समर्पित रहे, फिर भी उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। तो थर्ड पार्टी के साथ तो उनको अपने कर्मा डील करने ही हैं, उनको चीज़ों को समझना ही है,
कुछ व्यूवर्स के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर उनके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी सास या ससुर या फिर आपकी जेठानी ऐसा नहीं चाहती हैं कि आप और आपके पर्सन प्यार से रह सकें, एक रह सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सास के मन में या फिर आपकी जेठानी के मन में कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसी भावनाएं हैं कि वो आपको देखकर अपने अंदर असुरक्षा फील करती हैं, असुरक्षा की भावना है उनके अंदर, उनको ये लगता है कि आप खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, काइंड हो, नर्चर हो, और आपका पर्सन आपके बातों में आकर उन लोगों को भूल जाएगा। तो ये भी यहाँ पे चल रहा है कि वो लोग इसलिए और कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कभी कभी ब्लैक मैजिक का भी यूज कर लेते हैं, आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट बना रहे आपकी ओर से। कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी आ रहा है निकल के कि आपके पर्सन किसी लड़की के साथ हैं, थर्ड पार्टी कोई लड़की हो सकती है जिसको वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन वो लड़की जो थर्ड पार्टी है वो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम्स चल रही है, माइंड गेम खेल रही है, उसको अपने कुछ ज़रूरतें पूरी करवानी हैं आपके पर्सन से, इसलिए वो इनको अभी अपने साथ में रखे हुए हैं, क्योंकि इनको ये भी तो कर्मा है, ये भी तो लेसन लेना है इनको कि भाई हर व्यक्ति लॉयल नहीं होता है, हर व्यक्ति वफादार नहीं होता है। तो अभी उनको ये चीज़ भी फेस करनी है, वो पर्सन जो आपके पर्सन के साथ है, आपके लवर के साथ है, वो लेडी इनको अभी सबक सिखाएगी कुछ, वो अपनी बड़ी बड़ी ज़रूरतें भी पूरी कराएगी इनसे, फाइनेंशियल लेवल पर इनको बिल्कुल कंगाल करके छोड़ेगी या फिर बिल्कुल बैंक अकाउंट को ख़त्म करके छोड़ेगी, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वाइब्स आ रही हैं। आपके पर्सन बहुत बुरे फंसे हुए हैं और उनको ये लगता है कि इस सिचुएशन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ना भगवान उनकी सुन रहे हैं, ना एंजल्स सुन रहे हैं, और ईश्वर अभी इसलिए नहीं सुन रहे हैं उनकी बात क्योंकि उनको ये लेसन मिलने बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं मिलेंगे तो उनको रिश्तों की कदर नहीं होगी, इसलिए उनको अभी ये लेसन कर्मा मिलने बहुत ज़रूरी हैं। कुछ व्यूअर्स के पर्सन मूव ऑन करने की तैयारी में हैं थर्ड पार्टी से, और थर्ड पार्टी यहाँ उनकी फैमिली दिख रही है, वो थर्ड पार्टी से निकलने के लिए कोई बेटर जॉब तलाश रहे हैं किसी दूसरे शहर में, वो इस शहर में नहीं रहना चाहते जहाँ पर उनकी फैमिली हो, उनका परिवार हो, वो किसी दूसरे शहर में जॉब या कोई बिजनेस डालना चाहते हैं जिससे कि वो फैमिली से दूर रह सकें, फैमिली के बर्डन से, फैमिली की किचकिच से और लोगों के तानों से दूर रह सकें। क्योंकि फैमिली को उनकी वैल्यू नहीं है, फैमिली को उनकी वैल्यू नहीं है, उनके लिए फैमिली के लिए वो एक तरीके से वर्कर हैं जो काम करेंगे और करते रहेंगे, और ये चीज़ आपके पर्सन बखूबी रियलाइज़ कर रहे हैं कि किसी को उनकी परवाह नहीं है, सिर्फ़ एक आप थीं जो उनकी परवाह करती थीं, लेकिन आपको भी उन्होंने दरकिनार किया हुआ है, थर्ड पार्टी को चुना है आपको छोड़कर। तो अभी वो आपसे भी कुछ नहीं कह सकते, बस प्रे करते हैं, दुआ करते हैं अपने कर्मों के लिए कि मेरे कर्मों को प्लीज़ गॉड काट दो, मेरे कर्मों को ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो एक मैन की हैं जो हाथों को ज्वाइन करके बैठा हुआ है गॉड के सामने, तो वो बस सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स को और यूनिवर्स से ही प्रे करते हैं। उनके दिल में आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा लव है, अफेक्शन है, देखिए इसकी फ्लेम को देखिए कितनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अब उस चाहत का कोई अभी मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है।
उनकी लाइफ जो है वो एक लव ट्रायंगल में फंसी हुई है। उस पर्सन के साथ जिसके साथ वो हैं उसके साथ रहना नहीं चाहते, और जिसके साथ वो अब रहना चाहते हैं वो पर्सन अब उनकी लाइफ में नहीं है, बहुत दूर है। उनको अपनी बेवकूफियों पर बड़ा पछतावा है। थर्ड पार्टी अपनी ज़रूरतों के लिए उनसे बहुत डिमांड करती है। कुछ यहाँ पर ऐसे भी मैसेजेस आ रहे हैं निकल कर कि थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा शॉप डालना है या फिर पार्लर खोलना है या कुछ ऐसा करना ज़रूर है जिसके लिए वो एक हैवी अमाउंट की मांग कर रही है आपके पर्सन से। आपके पर्सन हालांकि आनाकानी करते हैं बट वो थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर से निकाल ही लेंगी वहाँ से। अब उनको समझ में आ रहा है आपके पर्सन को कि बहुत जल्द यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जिसके साथ वो है वो सिर्फ लालची है, उसे पैसे चाहिए, उसे आपके पर्सन की खुशी से, दुख से, या वो स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना स्वार्थ देख रही है, अपना स्वार्थ चाहती है, तो इसलिए वो पर्सन आपके पर्सन अब बहुत जल्द वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। दिल की ख्वाहिश तो ये है कि अभी आपके पास पहुंच जाएं, लेकिन अभी कर्मा टाल रहे हैं, कट रहे हैं कर्मास, तो उनके दिल में यही है कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं कैसे भी। और बहुत जल्दी होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब वो मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं, मैनिफेस्टेशन करने लगे हैं। इट मीन्स वो ये विजुलाइज करते हैं कि थर्ड पार्टी चली गई है उनकी लाइफ से और आपने एंटर कर दिया है उनकी लाइफ में, तो ये वो विजुलाइजेशन करने लगे हैं। और मोस्ट ऑफ यही सोचते हैं अधिकांशता कि आप लोगों की लाइफ हैप्पी हो गई है, खुश हो गई है, और विजुलाइज बहुत करते हैं, मतलब आंखें बंद करके बहुत सोचते हैं कि आप लोग साथ में हो, हैप्पी हो, खुश हो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनके ऊपर वर्क करने लगी हैं, उनकी पार्ट उन पर उनकी लाइफ पर वर्क कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी कि आपके पर्सन कब आपकी ओर मूव करेंगे, कब वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा चैनल को, वीडियोस को। अब देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। आज मैं दो तीन तरह के मैसेजेस निकालना चाहती हूँ यूनिवर्स की ओर से कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, वन मोर कार्ड। ओके, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये कंफर्मेशन आ गया है। मैंने कहा था ना कि आपके पर्सन आपको विजुलाइज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी आया है यूनिवर्स की ओर से। वॉट यू फील यू विल अट्रैक्ट, फील गुड। तो यहाँ पर ये मैसेज है डिवाइन का, यूनिवर्स का, कि आप जो भी चाहते हो उसको फील करो, और जो आप फील करोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे। तो अच्छा फील करो और अच्छा ही अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। अगला मैसेज है यूनिवर्स का, ए मिरेकल इज अबाउट टू ड्रॉप इन योर लाइफ दैट विल कैंसल एवरी वरी इन योर लाइफ। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में बहुत जल्द कोई ना कोई बड़ा मिरेकल होने वाला है, एक कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जो बहुत मिरेकुलस होगा, और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी वरीज हैं, चिंताएं हैं, वो सब आपकी खत्म होने वाली हैं। ऐसा कोई एक क्षण, एक मोमेंट होने वाला है। और मिरेकल्स पर बिलीव करना सीखिए डियर फ्रेंड्स, मिरेकल्स होते हैं लाइफ में, ये ट्रुथ है। अगला है एफिर्मेशंस, माई माइंड इज़ क्लियर एंड पीसफुल। तो आपके साथ जो हुआ है पास्ट में उसको भूल जाइए, उन सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, और एफिर्मेशंस दीजिएगा खुद को कि मेरा माइंड क्लियर है और पीसफुल है,
मेरे मन में कोई भी गरज नहीं है, किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। तो ये आपको एफिर्मेशंस देने हैं। अब देखते हैं कि कुछ और क्रिएटिव मैसेजेस डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या है आपके लिए। थैंक यू तो डियर फ्रेंड्स, ये वाला मैसेज दो बार आ रहा है कि क्लियर योर माइंड। अगर आप बहुत कुछ थॉट रहते हैं आपके मन में, आप बहुत पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, उन्हीं बातों को आप सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, तो उन बातों को दिमाग से निकाल दीजिए, क्लियर करिएगा अपने माइंड को। तो ये अगला मैसेज है यूनिवर्स का, क्लियर योर माइंड, राइट अबाउट योर ड्रीम। तो आपके जो सपने हैं, जो एम्बिशियस हैं आपकी, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपने सोचा है कि मेरी लाइफ इस तरीके से हो, ऐसी हो, उसके लिए आपको अपने सपनों को अपनी डायरी में लिखना है। और अच्छा होगा कि कोई डायरी मेंटेन करें और उसमें आप अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी डिजायर्स हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो लिखिएगा। लर्न मोर अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है, कब वर्क करता है और किस किस के लिए वर्क करता है, तो ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेनी चाहिए। अब मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की ओर से क्या चैनल मैसेजेस हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन की ओर से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या चैनल मैसेज हैं। ओके इनफ, एक और ले लेती हूँ, ये निकल रहा था इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। तो वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए थर्ड पार्टी से जरूर निकलेंगे, क्योंकि वो आप पर कभी गिव अप नहीं कर सकते हैं। अगला है कि दिल तोड़ के हंसती हो मेरा। तो भैया दिल किसने किसका तोड़ा ये तो आप ही जानते होंगे। आई लव यू बिकॉज यू हैव गोल्स। तो थर्ड पार्टी के पास हो सकता है कि कोई गोल ना हो और आप अपने गोल्स पर वर्क करती हो, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हो, कुछ बड़ा ड्रीम हो आपका। तो आपसे कह रहे हैं कि मैं आपको इसलिए प्यार करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में गोल सेट करके चलती हो। आई लव, माई लव इज़ अनकंडीशनल फॉर यू। तो आपसे कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अनकंडीशनल है, बहुत प्यार करते हैं आपको ये कह रहे हैं। टुगेदर फॉर एवर। तो वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़कर जल्द ही वो आपकी तरफ मूव करेंगे और फिर आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। यू आर माई ट्रेजर। तो आप उनके लिए उनका खजाना हो, उनका ट्रेजर हो। यू आर माई रीज़न फॉर लिविंग। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनके लिए जीने का एक जरिया हो, आप वो हो जिसकी वजह से वो जीना चाहते हैं। आई लव योर पैशन फॉर लाइफ। तो कह रहे हैं कि आपका जो पैशन है लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहने का, उसको वो बहुत एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। देयर इज़ ओनली वन यू। तो आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ आप ही आप हो। थर्ड पार्टी के साथ जरूर हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनके दिल में नहीं है, सिर्फ दिमाग में है। तो डियर फ्रेंड्स, ये रीडिंग थी। आई होप कि आप सबने इन्जॉय किया हो रीडिंग को, आपको पसंद आई हो रीडिंग, और पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं, पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। और अपना कीमती समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।